तो दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ने ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है इस क्वार्टर में। चलिए नंबर देख लेते हैं, क्योंकि नंबर देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में क्या होता, पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम देखा जाए जो कंपनी ने जनरेट किया था, तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 14,218 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 11,553 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 16,715 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास की तेजी देखने को मिली है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 15% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, जहाँ से कंपनी का मेन रेवेन्यू जनरेट होता है, पिछले क्वार्टर में 12,795 करोड़, पिछले साल 9,903 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ के 13,547 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों में कंपनी के मेन जो इंटरेस्ट इनकम जो है उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं, खर्चे क्या हुए हैं इस क्वार्टर में। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंस अगर देखा जाए, ये रहा हमारे सामने पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंस जी पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 10,541 करोड़ के आसपास, पिछले साल 9,034 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 12,455 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है उसके अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, वो इसलिए क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में क्या होता, पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 914 करोड़ के आसपास, पिछले साल 688 करोड़ का प्रॉफिट, अभी देखें तो बढ़ के 1411 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो मैंने आपको क्या बताया कि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 50% के आसपास की तेजी है, लेकिन जब कंपनी का प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 105% बढ़ चुका है, 105%, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास की तेजी है। तो नंबर तो बहुत शानदार इस क्वार्टर में कंपनी ने दी है। चलिए EPS देख लेते हैं और साथ में NPA देखते हैं क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें 2.23, पिछले साल की बात करें 1.68, अभी देखें तो 3.44 के आसपास है। तो कंपनी के EPS के अंदर एक अच्छी खासी सुधार आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का ग्रॉस NPA देख लेते हैं, ग्रॉस NPA के अंदर क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कंपनी ग्रॉस NPA के बारे में कुछ जिक्र तो नहीं किया है, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, नेट ऑपरेटिंग मार्जिन ये सब यहाँ पर दिया हुआ गया कंपनी। ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर बहुत शानदार है, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर एक मैसिव जंप आपको देखने को मिली साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों, ऊपर से कंपनी का जो मेन इनकम है वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल ऊपर से कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया, तो ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव साइड पर है, एक अच्छी खासी तेजी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि बैंकिंग वाले जितने भी शेयर हैं उसके जब नंबर्स आते हैं तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो जाती है, तो वो भी ध्यान में जरूर रखिएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।